Audio Jungle. नमस्कार, दिनभर की ताजा खबरें लेकर हम हाजिर हैं सिटी बुलेटिन में। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। टीकमगढ़ क्षेत्र के सांसद वीरेंद्र कुमार को केंद्र में मंत्री बनाए जाने पर प्रथम नगर आगमन पर जोरदार स्वागत किया गया। इसके अलावा बाबाओं के चक्कर में आकर एक दंपति से 20-25 हजार रुपए लूट लिए गए। और भी खबरें हैं, सबसे पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। सैकड़ों चार पहिया और दोपहिया वाहनों के काफिले के साथ हुआ केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार का भव्य स्वागत। संतान न होने पर झाड़फूंक वाले बाबा के चक्कर में फंसे दंपति, बाबा ने ऐठे 25,000 रुपए। महर्षि स्कूल के छात्र छात्राओं ने शासकीय प्राथमिक शाला में पहुंचकर गरीब बच्चों को वितरित किए वस्त्र। और गांव के दलितों की जमीन पर दबंगों ने किया कब्जा, पुलिस अधीक्षक से की शिकायत। केंद्र में मंत्री बनाए जाने पर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार का भरपूर स्वागत किया गया। दरअसल केंद्रीय मंत्री बनाए जाने के बाद छतरपुर उनका पहला नगर आगमन था और यही वजह थी कि एक बड़ा काफिला जिसमें चार पहिया वाहन और दोपहिया वाहन शामिल थे, देवरी बंधा से ही उनका ये काफिला शुरू हो गया। उसके बाद ये काफिला नौगांव पहुंचा, जहां पर जगह जगह उनका स्वागत किया गया। इस स्वागत में विभिन्न समाजों के लोग और मंडल भाजपा मंडल के कार्यकर्ता भी शामिल थे। नौगांव से छतरपुर तक आते आते कई जगहों पर श्री वीरेंद्र खटीक का स्वागत किया गया। छतरपुर में ट्रांसपोर्ट नगर से दोपहिया वाहनों का एक काफिला भी उनके साथ शामिल हो गया। इसके बाद जगह जगह पर विभिन्न समाजों द्वारा और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के अनुषांगिक संगठनों द्वारा भी स्वागत किया गया। बस स्टैंड पर नगरपालिका अध्यक्ष अर्चना सिंह और महिला मोर्चा के कार्यकर्ता भी स्वागत के लिए तत्पर खड़े थे। यहां पर भी भरपूर स्वागत किया गया, जगह जगह तुलादान भी किया गया। इसके बाद ये काफिला बाजार से होते हुए नगरपालिका पहुंचा। इस मौके पर खुली जीप में सवार केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार के साथ साथ पूर्व सांसद जितेंद्र सिंह बुंदेला, भाजपा जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह सहित बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे। पेप्टेक से बात करते हुए श्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि अंतिम छोर तक खड़े हुए व्यक्ति तक शासन की तमाम योजनाओं का लाभ पहुँचाना उनकी पहली जिम्मेदारी होगी। पार्टी के कार्यकर्ताओं का, पार्टी के विधायकों का और पार्टी के पदाधिकारियों का सबका साथ लेकर और उन योजनाओं का लाभ समाज के उन तबकों तक पहुंचे, ये हमारी प्रार्थना। कोतवाली के पास रहने वाला एक दंपति बच्चे न होने की वजह से परेशान था और उसे तभी एक आस की किरण दिखाई दी। लोगों ने बताया कि एक झाड़ फूंक करने वाला बाबा कुछ न कुछ चमत्कार दिखा सकता है। वे उसके चक्कर में आ गए और 20-25 हजार रुपए बाबा ने उनसे लूट लिए। बाबाओं का चक्कर लगातार टेलीविजन में चल रहा है, उसके बावजूद लोग बाबाओं से और झाड़ फूक करने वालों से विश्वास नहीं उठा पा रहे हैं। महबूबा बानो पत्नी सलीम बानो के कई सालों से बच्चा ना होने की परेशानी को लेकर कुछ लोगों ने सलाह दी कि सटई निवासी राजेश जोशी झाड़ फूक करके कुछ ना कुछ उपाय कर सकता है। इस बात को लेकर
राजेश जोशी नाम के व्यक्ति ने लगभग 20-25 हजार रुपए ऐंठ लिए। इसके बाद कोतवाली में शिकायती आवेदन दिया गया, बाबा अभी फरार है। हमारी बच्ची के मतलब बच्चे नहीं होते हैं, एक जनों ने हमको बताया एक जगह वहाँ उस कई में जानती है, तो हम फिर वहाँ गए उसके पास, उसने बताया अपनी तांत्रिक पैसे मतलब देख के हमको बताया सब, वो हमें सही बात लगी, तो हमें भैया हम पैसे उसने पैसे मांगे, हमने हम पैसे लाए नहीं हैं, तो हम लिए तो आप छतरपुर में आना, तो वहीं पर कहने इसका उतारा उतारा हो गया बच्ची की आपकी, तो हमने ठीक है हमने की आप वहाँ छतरपुर में सब कर देंगे जी, आए हुए इधर पर 6,000 हमने एक दफे दिए उसको, उसने वो तारा चला थे, उसके बाद फिर दोबारा भी आया कि अल्लाह भैया बिल्कुल कोई आराम नहीं है, कहने नहीं आपको नहीं 12 दिन बाद आराम मिल जाएगा, 12 दिन बाद हमने फिर फोन लगाया कि नहीं कहने अभी इससे एक उतारा फिर होगा, उसने फिर वो तारा करा, तो फिर इसने हमको 6,000 रुपये दिए, 12,000 रुपये लिए, कहीं मुर्गा लगेगा कहीं कुछ लगेगा, हमारा मार्शी स्कूल के बच्चों द्वारा प्राथमिक शाला नटपुरवा और नारायणपुरा की प्राथमिक शाला में गरीब बच्चों को वस्त्र वितरित किए गए। इस मौके पर उनके टीचर पंकज जैन और अन्य स्टाफ भी शामिल था। बच्चों का कहना था कि महर्षि विद्यालय द्वारा पिछले कई वर्षों से ये परंपरा जारी की गई है और उन्हें गरीब बच्चों को वस्त्र दान करके या सामग्री दान करके काफ़ी खुशी मिलती है। हम लोग महर्षि स्कूल से आए थे कि तो ये बच्चों द्वारा कंट्रीब्यूशन किया गया सारे कपड़ों का, और यहाँ नारायणपुरा की आपके ये नटपुरवा के स्कूल में माध्यमिक शाला में और नारायणपुरा माध्यमिक शाला में और आंगनबाड़ी केंद्र में हम लोगों ने कपड़ों का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। इसका पर्पज सिर्फ ये था कि बच्चों में थोड़ा सा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर बच्चों में मानवता आए और दूसरों की हेल्प कर सके वो, ये भाव जागृत करने के लिए इवेंट हर साल कराया जाता है, तो उसी तारतम में ये इवेंट इस बार कराया जाता है। आज ये महर्षि स्कूल से जो टीचर और छात्र आए हैं वो यहाँ के गरीब बच्चों में कपड़े दे रहे हैं, गरीब को सहारा देते रहना चाहिए, पेंसिल है, कॉपी है, बस्ता है, ये दें तो उनका मनोबल बढ़ता है और उनकी आवश्यकताएं भी पूरी होती है। बाजना से आई हुई तीजाबाई और अन्य साथियों ने पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें कहा गया है कि गांव के दबंगों द्वारा उनकी जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया है और उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आरोपियों में सुरेश हरिराम, परमदास लोधी, भूरा और दिव्या लोधी के साथ पप्पू और 4 अन्य के नाम भी शामिल है। समस्या साहब, हम 20-25 साल से कराते अपना जमीन कराते, वो आज लोधना ने है ना हमने बाहर अपना काटा, वो हम गए खेत पे तो उन्हें मारा, मारा तो बोला थे कि सास हाँ हम जमाई हाँ हम यहीं गाड़ देंगे मिट्टी, हम अपने खेत जाते यहाँ पे आते कलेक्टर साहब लोग नौगांव थाना के अंतर्गत आने वाले लहेरापुरवा के पास सुकमा चौराहे पर एक ट्रैक्टर का टायर हवा के दबाव से फट जाने पर 2 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि 60 वर्षीय हरनारायण कुशवाहा की यहां पर दुकान थी और यहां पर एक बाइक सवार भी खड़ा था, तभी ट्रैक्टर में हवा भरने पर उसका प्रेशर ज्यादा हो गया और टायर फट गया जिसमें हरनारायण कुशवाहा सहित एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया है। यहाँ पे क्या हुआ, टायर था टूटी हुई, हवा भरी हुई थी, खोल रहे थे अचानक हल गया, लग गया उनको, पापा का पैर चला गया, उनको जो ड्राइवर थे उनको भी चोट आई, अचानक विस्फोट हो गया, मतलब लग गया उनके हवा लग गई कि विस्फोट ब्लास्ट हो गया। बरियार थाने के अंतर्गत आने वाले ग्राम अलीपुर में 3 लोगों के साथ मारपीट की गई है। मामला सिर्फ इतना था कि कुछ लोगों से गोली चलने की बात पूछी गई और उसके बाद लोगों ने हमला कर दिया। घायलों में प्रीतम सिंह, सुनीता सिंह और सोहन शामिल है, तो वहीं मारपीट करने वालों में बाबूदयाल, बालेंद्र, महेंद्र सहित अन्य लोग भी शामिल थे। बताया जा रहा है कि ये लोग रेत के अवैध उत्खनन में भी शामिल हैं। गांव में बालू का अवैध उत्खनन करने वाले कुछ लोग थे, वो वहां गए, खड्डी नदी कहलाती है, वहां पे खड्डी वालों से किसी से विवाद हुआ, तभी फायरिंग आयरन सुन के हम गए गाँव में साइड में, तो रास्ते में हमें जो है कुछ लोग मिले, हमने पूछा कि फायरिंग क्यों हुई, कहाँ हुई, क्या हुआ, तभी वो बालू माफिया जो थे बाबूदयाल वगैरह और ये बबलू सिंह, बलन सिंह, हलके सिंह, धीरू सिंह, कुलदीप सिंह और 3 बाही लोग जो उनके रिश्तेदार रहते हैं, वो जिला बदल भी है उनका, वहाँ के बाहरी बदमाश है वो, और अवैध ट्रैक्टर भी चोरी का लाए हैं, अवैध 2 पल्सर गाड़ी भी गाँव वाले बता रहे हैं कि चोरी के ट्रैक्टर हैं, चोरी की गाड़ी है, और ये दारू के नशे में आके हमें मारने लगे, बोले विवाद किसी से हुआ तुम्हें क्या लेना देना है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर।
सैकड़ों चार पहिया और दोपहिया वाहनों के काफिले के साथ हुआ केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार का भव्य स्वागत। संतान न होने पर झाड़फूंक वाले बाबा के चक्कर में फंसे दंपति, बाबा ने ऐठे 25,000 रुपए। महर्षि स्कूल के छात्र छात्राओं ने शासकीय प्राथमिक शाला में पहुंचकर गरीब बच्चों को वितरित किए वस्त्र। और गांव के दलितों की जमीन पर दबंगों ने किया कब्जा, पुलिस अधीक्षक से की शिकायत।